आपको व्हाट्सएप पर किसी ने कोई मैसेज किया, कोई फाइल भेजी, कोई पिक्चर भेजी, कोई डॉक्यूमेंट भेजा और भेजने के बाद उसको डिलीट कर दिया, अब आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, दोबारा कैसे उसे रीड कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास जो मैसेज आया आपने वो सीन कर लिया लेकिन भेजने वाले के पास अनसीन ही रहे, ये आप कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, जो आपने मैसेज रीड कर लिया है लेकिन भेजने वाले के पास टिक, ब्लू टिक, डबल टिक शो ना हो, ये आप कैसे कर सकते हैं। और आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस से पिक्चर्स और वीडियोस को HD में किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ आप एक ही ऐप के अंदर कर सकते हैं। तो ये ऐप कौन सा है, इसे कैसे यूज करना है, आज मैं बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले चले जाना है गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है व्हाट्स डिलीट, आपने इनमें से इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इसके आइकन को अच्छी तरह देख लें, इसकी जो डाउनलोड्स हैं वो 5 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोड्स हैं। इसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने इसकी हर तरह की परमिशन इसको अलाउ करनी है, हर तरह की परमिशन देनी है, क्योंकि अक्सर लोग इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको परमिशन सही तरह से नहीं देते तो उनका ऐप सही तरह से वर्क नहीं करता, इसलिए आपने इसको हर तरह की परमिशन अलाउ करनी है, उसके बाद ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अलाउ कर देना है आपने, अलाउ कर देना है आपने, और गॉट सेटिंग में जाके आपने इसको अलाउ कर देना है। तो हर तरह की परमिशन जब आप अलाउ करेंगे तो उसके बाद ये प्रॉपरली काम करना शुरू करेगा। देखें, अब हर तरह की इसको परमिशन मिल चुकी है, अब ये इंशाल्लाह प्रॉपरली काम करेगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब हम इसको ट्राई करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। यहाँ से एक मैसेज भेजते हैं, टेस्टिंग मैसेज, ये मैंने मैसेज भेजा, यहाँ पे मैसेज आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और यहाँ से मैसेज भेजने के बाद मैं इस मैसेज को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन, ये मैसेज डिलीट हो चुका है। अब आप जाके देखें कि मैसेज जो आया था वो डिलीट हो चुका है। अब इस मैसेज को जो डिलीट हो चुका है आपने कैसे देखना है, आपने चले जाना है व्हाट्स डिलीट में, यहाँ पे आपको वो मैसेज ऑलरेडी पड़ा हुआ मिल जाएगा। ये देखें, फैसल शबीर, टेस्टिंग मैसेज आया था, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब दूसरी चीज, अगर किसी ने कोई आपको मैसेज भेजा है तो वो आप रीड कर लें लेकिन भेजने वाले को ना पता चले, वो आप कैसे करेंगे। ये देखें, यहाँ से एक मैसेज भेजा गया है, हेलो, ये मैसेज गया है आपके पास। व्हाट्सएप अगर आप ओपन करते हैं तो इसको पता चल जाएगा, यहाँ पे ब्लू टिक शो हो जाएगी। उसके बजाय आपने व्हाट्सएप डिलीट में जाना है और यहाँ पे जाके आपने वो मैसेज देख लेना है। ये देखें, यहाँ पे हेलो आ चुका है, रीड कर लिया है लेकिन यहाँ पे ब्लू टिक शो नहीं हुआ। इस तरीके से आप मैसेज को रीड कर लेंगे लेकिन भेजने वाले को पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब आपने स्टेटस डाउनलोड करना है, वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ये चीज ऑटोमेटिकली होती है। जब भी कोई स्टेटस लगाएगा आप यहाँ पे स्टेटस में आएंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी होगी HD फॉर्मेट में, बिल्कुल बिना पिक्सल फटे आपके पास वो चीज मौजूद होगी। अब इसी तरह हम यहाँ से एक पिक्चर भेजेंगे और फिर इसको डिलीट करेंगे और फिर देखते हैं कि वहाँ पे हमें वो पिक्चर मिलती है या नहीं। ये मैंने पिक्चर ली, इसको सेंड किया, ये पिक्चर यहाँ से जा चुकी है, ये मैसेज आ चुका है, ये पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये पिक्चर मैंने डिलीट कर दी, ये पिक्चर यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अपने वर्ष डिलीट में चले जाना है, उसके बाद आपने आ जाना है इमेजेस पे। ये देखें, ये पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से डिलीट हो चुकी है, व्हाट्सएप में से डिलीट हो चुकी है लेकिन व्हाट्स डिलीट में ये पिक्चर अवेलेबल है। इस तरीके से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करें, इससे फायदा उठाएं।